नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना के 59 यानी 59 एप्लीकेशन को बैन कर दिया है इंडिया में, तो जिसमें एक एप्लीकेशन था ट्यू रिकॉर्डर, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर यूट्यूबर करते थे और जिसमें सबसे ज़्यादा इडक्शन वीडियो बनाने वाले चैनल इसका यूज़ ज़्यादा करते थे और बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन था। लेकिन फ़िलहाल ये भी बैन हो गया इंडिया में, तो और अब वापस तो आएगा नहीं, तो घबराने की कोई बात नहीं। मैं आपको ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो ड्यू रिकॉर्डर से भी बेस्ट एप्लीकेशन है और वो भी बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उस एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन यानी घंटे को दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सॉरी, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सिंपली आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्च बार में जाकर लिखना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सॉरी दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करने के बाद आपके मोबाइल में आ जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डर नो एड्स, दोस्तों दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर नो एड्स, इसमें कोई एड्स नहीं आएगा। आप सिंपली से वीडियो आसानी से इसमें बना सकते हैं। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आप भी डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करते हैं, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ये रहा मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन रिकॉर्डर का इस्तेमाल कैसे करना है बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि अगर आप ड्यू रिकॉर्डर का इस्तेमाल करते थे तो ठीक उसी प्रकार का एप्लीकेशन है और आप इसका भी इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सेम वही सारी थी है, इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें सेटिंग भी बहुत ही वही दिया है, इससे भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सिंपली आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा, उसके बाद आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों आप पहले देख सकते हैं टाइम डेली बिफोर रिकॉर्डिंग, आप यहाँ इस पे क्लिक करेंगे तो आप टाइमर लगा सकते हैं वीडियो को स्टार्ट करने में, जितना चाहें उतना लगा सकते हैं। तो लगाने के बाद ओके कर देंगे। उसके बाद आता है वो दोस्तों रिकॉर्डिंग इंजिन, तो इसको कुछ नहीं करना, सिंपली वही रह देना है। उसके बाद आता है मैजिक बटन, तो उसका क्लिक कर आपको सिंपली इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आप क्या करेंगे, मतलब स्टॉप करेंगे, ड्रा करेंगे, स्क्रीन कैप्चर करेंगे, तो व्यू से या रिज्यूम पर आप उस पर जो चाहे मतलब आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दिया है सो मैजिक बटन, उसके बाद क्लिक करेंगे, मतलब आपका ऊपर वो उठी आ जाएगा जो उसमें एडिटर था। उसके बाद इसको जितना ब्लर आप करना चाहेंगे उतना ब्लर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों उसके बाद आएगा स्टॉप ऑप्शन, उसको वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद आएगा फाइल नेम फॉर्मेट, तो इसमें आप डेट जैसे चाहे मतलब टाइमली मतलब समय के अनुसार मतलब जिस दिन आप वीडियो को बनाए किस महीने में वो आप डाउनलोड मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है सेव फाइल प्रीफिक्स, तो इसको आप जो नाम चाहें वो लिख सकते हैं। रेजोल्यूशन आता है दोस्तों, तो जितना आपको रेजोल्यूशन बनाना है कैसा है तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बाकी ये वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद आता है रिकॉर्ड ऑडियो, तो इसको ऑन रखना है ताकि ऑडियो रिकॉर्ड होगा। तो बाकी आते हैं दोस्तों आगे, तो ऑडियो चैनल बाकी जो है उसे रहने देंगे। उसके बाद आता है शो टच से, यानी टच करने पर जो वहाँ आप क्लिक करेंगे वहाँ पता चलेगा मोबाइल में दिखाई दे, उसको ऑन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों
आप देख सकते हैं कुछ और पेज हैं। तो इस तरह से आप डी रिकॉर्डर की तरह इसमें भी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों क्रॉप पे। क्रॉप पे आने के बाद वीडियो आप जो भी किए हैं उसको क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप वीडियो शूट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो शूट होगी। और तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में ज़रूर आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो कहाँ मैंने अगर कोई भी गलती बनाई बताई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं उसमें सुधार करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।